design of the wheel shall be that of the wheel, chakra, with a curve on the basis of Ashoka. Namaskar. I'm Sagari Chhabra and we are recording the Hamara Itihas archives. And today we are in the home of a very special person, Subhadra Khosla, who actually raised the flag inside the Lahore Women's Jail along with several other women. She's the daughter of Achintram and Satyavati ji, and she is a reservoir of stories and our history. Subhadra ji, नमस्कार. पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया है और मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ. मैं आपके प्रेम से प्रभावित हूँ और मेरा जन्म कोट मोहम्मद खां, तहसील तरन तारण, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में हुआ. कब? ये 30 सितंबर 1928 में. तो आप स्वतंत्रता संग्राम में कैसे आए, मतलब परिवार का प्रभाव क्या था? हमारे पिताजी, ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, उन्होंने, उनका नाम लाला अचिंत्राम था. उनका नाम लाला अचिंत्राम था. वो मेडिकल पढ़ाई के लिए लाहौर से गए. उनके पिता को बड़ा अभिमान था कि मेरा पुत्र डॉक्टर बन रहा है, पर समय के फेर ने उनका जीवन बदल दिया. महात्मा गांधी जी की कॉल आई कि विदेशी पढ़ाई छोड़ो और देश की को स्वतंत्र बनाओ. तो रात रात में ही उन्होंने अपने सब विदेशी कपड़ों को जला के राख कर दिया और प्रण कर लिया कि यह जीवन मैं देश के अर्पित करूँगा. वो उस भावना से प्रेरित थे, वही हमारे खून में आया. और उधर मेरी माँ भी जो थी, वो भी कन्या महाविद्यालय की स्टूडेंट थी, 5 साल को गई थी. और आपकी माँ सत्यवती जी? हाँ जी, मेरी माँ सत्यवती जी थी. लाला चिंतराम जी ने पढ़ाई छोड़ के ग्रेजुएशन पूरी की और लाला लाजपत राय जी ने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी खोली, जिसको हिंदी में लोक सेवक मंडल कहते थे. और अपने बच्चों के लिए, जब अपने साथियों के लिए, उन्होंने सारे भारत से लड़के योग्य चुने जो देश की सेवा के लिए तत्पर थे. उसमें से पिताजी को, लाला चिंतराम जी को पहला मेंबर बनाया. पर आपने क्या देखा, आपने आपके उस समय के जो लोग थे उनके उनके बारे में बताइए. आपके पिताजी तो अचिंतराम जी और सत्यवती जी, और कौन थे उनके साथ? जहाँ हम रहते थे लाजपत भवन में, इसको लाला जी ने जो कोठी खरीदी थी वो किसी अंग्रेज़ की कोठी थी मेरा ख्याल है, क्योंकि उस वक़्त भी हर बाथरूम जो अंग्रेज़ों की तरफ से डबल स्टाइल के थे, बैठने वाला भी उठने वाला भी. वहाँ अपने हर मेंबर को वो 100 रुपया भत्ता देते थे महीने का. और उनको कहते, जहाँ भी देश में आपत्ति आए, हर सेवक की तैयारी रहनी चाहिए कि वो घर बार छोड़े, और इस भत्ते से एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं कमा सकते, ये उनकी शर्तें थी. और ग्रेजुएट होना चाहिए. 2-3 घंटे ज़रूर लाइब्रेरी खोली उन्होंने, द्वारका दास लाइब्रेरी लाजपत भवन में 2nd फ्लोर पे, जिसमें कि स्टूडेंट्स आएँ पढ़ें और जितने अपने मेंबर हैं उनको पढ़ना चाहिए. और कौन थे उनके साथ? उनके दास सोसाइटी के मेंबर थे मोहनलाल जी, साथी मोहनलाल जी, और जगन्नाथ जी, प्रिंसिपल छबीरदास जी, ये लाहौर के थे. देवराज सेठी जो हरियाणा से थे, यूपी में लाल बहादुर शास्त्री, अलगू राय शास्त्री, और मतलब वहाँ 10 मेंबर यूपी थे, बिहार के थे, गुजरात के थे, उड़ीसा के थे. जितने मेंबर थे वो साल में 1 बार या 2 बार आके लाहौर में सब इकट्ठे मीटिंग करते थे. और देश को किस तरफ चलाना है, वो हमारा क्या ध्येय है कि हम भूल ना जाएं, उस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित रहते. उनके साथ औरतें कौन थीं जो उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी थीं? जब वो पढ़ रही थी तो उनके साथ 4 औरतें थीं जिन्होंने पीएचडी की, उसको जलविद कहते थे. उनके साथ सुशीला मोहन, जो कि बाद में दिल्ली में एमएलए भी बनी, और 2 और थीं विद्याधरी, और कौन, 4. उन्होंने सब ने अपना अपना रुख पकड़ा, पर मेरी माँ ने जो प्रण किए थे पति के साथ कि मैं चरखा कातूंगी, घर में कपड़े धोऊंगी, जो उन्होंने कभी किया नहीं था, सादा जीवन व्यतीत करूंगी, लोगों की सेवा करूंगी,
अच्छा ये बताइए कि 1942 में आपने क्या देखा? 1942 की कहानी बड़ी ही रोचक है क्योंकि हमने पिताजी को जेल जाते देखा, पर ये तक घर से देखा नहीं, तो मतलब जेल में है। पर उस दिन क्या हुआ, 9 अगस्त को सुबह लाजपत भवन के बाहर पुलिस खड़ी थी, क्योंकि उस वक्त टेलीविजन रेडियो तो थे नहीं। तो देखा लाजपत भवन में जितनी लाहौर की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी कमेटी रूम में होती थी, और उस दिन 9 अगस्त को मीटिंग रखी हुई थी कांग्रेस वर्ग को मिलने के लिए कि आगे हमने आज़ादी के लिए क्या करना है, क्योंकि महात्मा जी की कॉल आ गई थी कि करो या मरो। तो इतना ध्येय लेके तो उस विषय में आज चर्चा होनी थी। 9 बजे से लोग आने शुरू हुए, हम बिस्तर में ही सो रहे तो हथकड़ियों की आवाज़ आई छन 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 छन। तो हमने कहा क्या हो गया, तो हमारे जो चपरासी था धुनी चंद, उसने कहा जी बाहर पुलिस खड़ी है इसलिए कोई बात है। तो 10 बजे तक देखा 20-40 लोग हो गए, 2 बजे तक 40 लोग हो गए, और सब ढाका मार मार के हंस रहे हैं भाई चलो भाई अब तो आज़ादी मिली जानी है जब सब लग गए इस काम में। उनके परिवारों को बुलाया गया, जिनके जेब में जितने पैसे थे उनको दे दिए। 2 बजे तक सबको खाना मैंने खिलाया, हमारी माँ ने, और पिताजी आए कि उनको भी पकड़ना है, तो खाना कौन बनाए, माता बिजी थी। पर जो भी है इतनी रौनक, उनके परिवार भी सब आ गए, तो खूब नारे लगा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। इतनी देर में उसने पुलिस ने सर्जन ने पूछा सीता देवी कहाँ है, वो तो ऊपर हैं, वो भी यहाँ हैं, हाँ जी। तो उनको पकड़ने गए तो वहाँ छबीलदास जी भी थे, वो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उनको कहें छबीलदास जी भी हैं, उनको भी ले गए, उनके बच्चे चारों के ले रह गए, सब जेल चले गए। और जब 4 बजे पुलिस वैन आई, सब ने आरती उतारी, गाने गाए, आरती उतारी आ रही सबकी, हमने कहा कि शुभ भावनाओं से जाओ। और आदमियों ने कहा ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, इसके लिए तैयार रहना। तो जो बच्चे थे रोने लग गए, वो मेरी माँ कहती देश के लिए जा रहे, रोना किस लिए, ये तो देश के लिए सेवा तक बड़ा कम अवसर मिलता है। तो हमने सबकी आरती उतारी और बार बार कह गए डोंट वरी, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, उनको सबको डेड न्यूज़ बनाया उन्होंने, किस लिए कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, जितने सालों रखो कोई लिमिट होती नहीं थी। पर वी नेवर न्यू, हम तो कहे खुश है देश के लिए जा रहे हैं, देश के बहुत गाय इनकलाब जिंदाबाद जेल, बहुत जितना कर सकते थे जोश से भेजा, खुशी खुशी भेजा। 4 बजे के बाद सारी कोठी सुनसान हो गई, बच्चे अपने रो रहे हैं ये रहे, जो खाना सुबह का बचा था वही खिलाया, और सोचा आगे हमने क्या करना है। उस वक्त सत्याग्रह मूवमेंट चलती थी, तो वही लक्ष्मी देव त्रिखा जी वो वही थी, उन्होंने बताया हमारा तो 26 अगस्त को प्रोग्राम है, हमने तो अपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तो हम बड़े खुश भी, देखेंगे जब कैसे जाएंगे, हम भी जाएंगे साथ में। तो 9 अगस्त के बाद सुनसान हो गया, और प्लान किया किसी के बच्चे कहेंगे, क्योंकि कईयों के तो पति चले गए, घर में कोई आमदन का तरीका ही नहीं है। तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मिस्टर कामरेड रामकृष्ण के बच्चे 2 थे, घर में खैर कोई रहने को था नहीं, तो उसके पास थोड़ा जेवर था, तो उसने किसी सुनार को रह दिया, सहगल ज्वेलर को, कहते भाई साहब आप रख लो, आ गए तो आ गए, नहीं तो आपके पास यहाँ सेफ रहेगा। तो मतलब कि इतनी बुरी हालत थी वर्करों की, पर लगन इतनी सच्ची थी कि देश की आज़ादी लेके छोड़नी, अब हमने छोड़ना नहीं, ये जगह। तो 26 अगस्त को रक्षाबंधन था, और मिसेज कामरेड रामकृष्ण, लक्ष्मी देवी त्रिखा, मिसेज हेमराज पठानकोट से, और माता रमेश नेहरू, चारों ने अपना एप्लीकेशन दे दी कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन दी, पहले देनी पड़ती थी कि हम उस दिन 4 बजे अनारकली बाज़ार में यहाँ हम झंडा फहराएंगे और 144 दफ़ा तोड़ेंगे। तो पुलिस पता होता है, पुलिस पे अत्या तैनात रहती थी, हमें बड़ा शौक कि भाई हम भी जाएंगे चाची को छोड़ने। उस वक़्त गांधी जी ने असूल बनाया था, जब डू और डाई का कहा कि पहले कातो फिर पहनो, तो हर औरत को घर में चरखा काटना पड़ता था, तो हमारी माँ ने तो 2-4 सेल सूत काट के रखा था। अनारकली बाज़ार में जहाँ पिकनिक करनी थी उसके सामने गांधी आश्रम था, वहीं अपना सूत पकड़ाया, और इतनी देर देखा मूसलाधार, 3 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, कैसे लोग आएंगे कैसे नहीं, पर हमें क्या परवाह है, आंधी हो या तूफान, जो करना है वो तो करना है। तो सब हम उस बारिश में ही गए, और 4 बजे पूरे इनकलाब जिंदाबाद, और हम
गांधी आश्रम से निकल के जुलूस के साथ हो गए और बस फिर उन्होंने पुलिस ने रोका दुकानों पे पिकटिंग के लिए कहा कपड़ा विदेशी मत पहनो शराब मत पियो और हम नारे लगाते गए हमारी बहन मैं बहन मिसे लक्ष्मी देवी त्रिखा मिसे कामरेड मिसे हेमराज कुमार वो अपने माता रामेश्वर जो आ ही नहीं सकें इतनी मूसलाधार बारिश थी तो हमें वो थाने में ले गए 5 बजे तक फिर आपको उस वक्त कुछ भय नहीं था डर नहीं लगा हमने कहा ये मौका है हमें तो आज़ादी लगती थी वो खेल है हम खिलौना पकड़ के ले आएंगे हम तो इस खुशी में थे कि कितना अच्छा मौका मिला है उस वक्त आपकी उम्र क्या थी मैं 12 साल की थी अच्छा ये बताइए सुभद्रा जी कि आप जेल के अंदर चली गई तो जेल के अनुभव बताइए पहले तो कौन कौन थे वहाँ दिल्ली से सब वेद कुमारी जी श्रद्धानंद जी की लड़की थी उनकी लड़की सत्यवती उनके और बच्चे भी आए थे वो बाद में वो मिसेज डिडवानी हमारे साथ थी मेमू भाई जी हमारे साथ थी लाहौर में लीडर जो थी शन्नो देवी बाद में डिप्टी स्पीकर बनी वहाँ हरियाणा की सीता देवी जी और मिसेज हेमराज भी गुलाम फातिमा मुस्लिम लीडर थी वो भी हमारे साथ जेल में गुलाम फातिमा क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती थी नज़में गलो और बहुत शौकीन थी माता पूरन देवी जो शालमी बाज़ार में शहर में उनके पिता हस्बैंड मास्टर जी थे और लुधियाना से सवित्री और पूरन देवी जी थी तो उनकी एक आँख थी तो हम हंसा करते थे आप दुनिया को एक आँख से देखते हैं और माता पूरन देवी जी को हार्ट ट्रबल थी वो बाहर सो जाती रज़ाई लेती वह पंखा चलाती हाथ से अच्छा आप कुछ गाने तो सुनाइए जो आपने जेल के अंदर गाए हम 4 बजे शाम को दिल्ली से भी सब लड़कियाँ आ गईं भर्ती होकर सुशीला मोहन जो बीजी की सहेली थी वो अपने ग्रुप लेके 20-25 लड़कियाँ लाए उन्होंने तो वो रंग लगाए सारे दिन गाना गाती रहती और धीरे धीरे गाती हम देश की मालिन हैं हम देश जाएंगी फूलों के नए पौधे गुलशन में लगाएंगी हर सुबह सुबह कर सब फूल लगाएंगी फिर पत्ते बाहों मिलकर सब ताली बजाएंगी हर फूल नया होगा हर पौधा नया होगा हर पेड़ नया होगा हर फूल नया होगा फिर इसकी बहारें हम दुनिया को दिखाएंगी फिर इसकी बहारें हम दुनिया को दिखाएंगी हम देश की मालिन हैं अच्छा ये बताइए कि आपने जेल के अंदर झंडा फहराया उसके बारे में आप उसका वर्णन दीजिए ऐसे है कि हमने जब जेल गए तो चाहे कितनी खुशी हो खाना बहुत गंदा कोई न्यूज़पेपर अलाउड नहीं नॉर्मली ए बी सी क्लास होती है ए में बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं बी में कुर्सी मेज मिल जाता है किताबें पढ़ने को मिलती हैं सब फैसिलिटी मिलती हैं सी को थोड़ी तकलीफ़ होती है अंग्रेज़ों के वक़्त वो सोचते थे कि इस मूवमेंट को हम कुचल डालें इस वजह से उन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं दी कोई पढ़ने को कोई खाने को रहने को कोई फैसिलिटी नहीं थी तो हमने रिमांड कर उनको लिख के भेजा कि ये हमारी शिकायतें हैं आप इतने दिनों में दूर कर दो उनके कान रिंगी नहीं उनको फिर 15 दिन में कहा कोई सुनता ही नहीं फिर हमने कहा हम झंडा लहरा देंगे आप प्यार से मान जाओ तो क्या हुआ कि ये अक्टूबर के एंड में ये एक दिन मनमोहन जो इंचार्ज था तीनों जेलों का वो सुदागर सिंह थी सुप्रिंटेंडेंट और मिस्री लाल थी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट उनको तो मालूम नहीं अकेला ही आ गया और आके शीशे तोड़ने लग गया सो सत्यवती जी जो दिल्ली वाली थी उनको महात्मा गांधी शेरनी कहते थे कहते दरवाज़ा खोलो तो हम क्या कर रहे थे झंडे बना रहे थे कि अगर नहीं आप ये हमारी मांगें पूरी करते तो हम झंडे और सूट बना रहे थे क्योंकि साड़ी में सेफ्टी नहीं थी तो अंदर वही सिलाई कर रहे ठक ठक किया 1 बार 2 बार 3 बार हमने कहा क्यों दरवाज़ा खोलें पर यो इसलिए आ गया था कि गेट जो था घोरा बैरक का वो खुला था तो हम समझ गए कि उससे आ गया पीछे के दरवाज़े बंद कर दिए हमने और वो खुला था आ गया खड़काता रहा फिर उसने 5 बजे शीशा तोड़ दिया
तो हम खड़े हो गए कि हम अहिंसक हैं, आपने शीशा तोड़ा, गलती आपकी, हमारी तो गलती है नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे कर, मैं कोई बहाना नहीं। सत्यवती खड़ी हो गई, लीडर वही थी उसमें, जेलर ने शीशा तोड़ा, तोड़ दिया कि आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। तो उन्होंने कहा हम अहिंसक हैं, महात्मा गांधी जी के पास, आपने शीशा तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, तो हम नहीं बात करेंगे। कहते सॉरी सॉरी सॉरी। उसने सोचा कि सत्यवती लीडर को मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा तो हो सकता है अभी इसे दब जाए मोमेंट, और क्योंकि उसके हाथ में था नहीं, उसे ऊपर से परमिशन मिलती तो हमें देता कुछ बेचारा। तो उसने क्या किया, चार दिन के बाद सत्यवती जी का ट्रांसफ़र कर दिया अम्बाला। उनकी एक ही लड़की थी, वो रास्ते में मिली, तो शौक से उसकी बेचारे की डेथ ही हो गई क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पर इसने सोचा मूवमेंट ख़त्म हो गई, पर जितनी लाहौर की शेरनियाँ थीं सारी तैयार थीं, जितनी बिहार से सब घर बार छोड़ के आई थी कि हम तो अपनी मूँगी मांगे पूरी कराएंगे, तो हमारी तैयारी तो हो गई थी, हमने झंडे वंडे सब तैयार कर लिए थे, कपड़े अपने तैयार कर लिए। हमने 9 अक्टूबर को सुबह जाके, मेमोबाई जी बहुत पतली दुबली थी और बहुत जोश की भरी हुई थी, तो हमने झंडा लिया और चारपाई खड़ी कर दी मेन गेट के पास, जहाँ छत आती है मेन गेट की, वहाँ चढ़ के पीछे एक औरत खड़ी हुई, दूसरी ऊपर मेमोबाई जी का झंडा फहरा दिया। झंडा फहरा के हमने धरना रख लिया गेट के आगे। तो जेल के अंदर थे, मनमोहन ने एक शीशा भी तोड़ा था पहले, और आपने, जेलर ने, और आपने जेल के अंदर चारपाई पे चारपाई लगा के झंडा फहराया। मेमोबाई जी ऊपर चढ़ाया, पतली दुबली थी, उन्होंने चढ़ गई, हल्की फुल्की थी, तो उन्होंने चढ़ के झंडा लगा दिया। लगा के हमने झरना अपना जो था धरना गेट के एक सामने लगा दिया और गाना शुरू कर दिया। इतनी देर में मिसेस सुदागर सिंह की आंख खुली, ओ हो, उसने क्या किया, भागी भागी आई, मनमोहन जी को फ़ोन किया, ये क्या हो गया, ये क्यों, क्या हुआ क्या हुआ। कहते जी जेल पे झंडा लगा दिया उन्होंने। कहते अच्छा, ऐसे कर रिसीवर उठा दो ऊपर से, और टेलीफोन का रिसीवर उठा दो कि जो वो तमाशा कर रही हैं लेडी मैं सुन सकूँ, क्योंकि मिसेस सुदागर सिंह डर गई कि मैं तो औरतों को संभाल नहीं सकती। तो रिसीवर ऊपर वो सुनता रहा, इतनी देर में वो आया, हम गा रहे थे सब अपने भजन, तो आइडिया है नहीं पर बहुत थे, आज़ादी लेके छोड़ेंगे सब करेंगे, पर मतलब कि जोश इतना था, और सब भारी भरकम औरतें थीं, मीमोबाई जैसी तो एक आदि थी, तो हमने गाना लगातार रखा। उसने क्या किया, डराया हमको, आप उठ जाओ, कहते नहीं आप हमारी मांगे पूरी करो। वो बेचारा डर गया, उसने पुलिस बुला ली बाहर से, बाहर के पुलिस बुला दी और हमें का शूट ऑर्डर्स कर दो हमें धमकाने के लिए। फिर हमने गाना शुरू कर दिया, आज़ादी के नारों से दुनिया को हिला देंगे, सोतों का तो क्या कहना, मुर्दों को जगा देंगे, हम मुल्क के बेटे हैं और मुल्क की खिदमत में, बच्चों को कटा देंगे, घर बार लुटा देंगे, आज़ादी के नारों से जो कौम की सत को मलहूज नहीं रखता, जो कौम की इज्जत को मलहूज नहीं रखता, आईन वो हम तेरा मिट्टी में मिला देंगे, आज़ादी के नारों से। जब पुलिस वालों ने ये गाना दोबारा सुना, वो फूट फूट के रोने लग गए और उन्होंने बंदूकें नीचे फेंक दी और सुब्रन से कह दिया हम नहीं गोली चलाएंगे। अब सुब्रन कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। पुलिस वाले चले गए वापस, कहते हम अपने भारतीयों पर जुल्म नहीं कर सकते। फिर मनमोहन ने किया, जब पुलिस छोड़ ही गई तो उसका कोई चारा ही नहीं था बेचारे का, हम डरने वाले थे ही नहीं। फिर उन्होंने हमें घसीट घसीट के कमरों में जाके छोटे कमरों में बंद किया, वहीं लैट्रिन, वहीं बाथरूम, वहीं खाना। और फिर कितने समय के लिए आप थे जेल के अंदर? हमें 3 साल की सजा हुई थी, पर क्या किया इनके, बट आपने काटी कितनी? हमने 3, वो साइमल्टेनियसली चली 3 साल की, एक 144 दफ़ा के अगेंस्ट, एक जो हमने कहा अपने विदेशी कपड़ों के लिए,
और एक शराब पीने के लिए, तो तीनों साइमल्टेनियसली थे एक साल। एक साल आप जेल में थे? एक साल डेढ़ महीना, क्योंकि केस भी चला हमारा। सुभद्रा जी, आपने जेल के अंदर झंडा फहराया, आपने बहुत कुछ देखा किया, पर जब आज़ादी मिली तो उसके साथ बंटवारा भी हुआ, तो उस समय आपने क्या देखा? हमें बंटवारे का तो मालूम नहीं, क्योंकि हम लाजपत भवन में रहते थे। रिफ्यूजियों का आना शुरू हो गया और सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी के दफ्तर में हमारे पिताजी लाला चिंत राम जी तो वहीं थे, और हमने सोचा कि इनका क्या किया जाए। सामने डीएवी कॉलेज हॉस्टल था, वहाँ कैंप बना दिया। कैंप बना के सब रिफ्यूजियों के कमरे, कम से कम 5,000-6,000 कमरे थे, रिफ्यूजियों को वहाँ रखते गए। जो यंग लड़कियाँ या बच्चे आते थे वो पहले हमारे अब दुख बताते, उसके मुताबिक उनको रखते रहे। तो आपने क्या देखा, क्या सुना? हमने उनके कैसे जुल्म हुए यही सुना। पर जुल्म तो जब भी बंटवारा होता है उसमें इंसान इंसान से, खुद फैमिली भाई भाई से लड़ता है, तो वो तो हम देखते नहीं। पर हमारे पास जो दुखी दर्द वाले आते थे उनको यहाँ रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनको हिंदुस्तान पहुँचाना, ये हमारा काम था। तो उस हालत में सारे पाकिस्तान को, बंटवारा हो जाना था 15 अगस्त को, हम तो उससे पहले ही शुरू हो गया था काम, कि सब डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे। आप इस वक्त लाहौर में ही थे? हम लाहौर में ही रहे, हमने लाहौर से घर बदला नहीं, वहीं कैंप बना दिया। अगर बार आश्रम में अगर जगह थी तो वहाँ कुछ लोगों को रखा, खाने पीने का इंतजाम हो, आते बेचारे रात कैसे काटें, कोई मौसम भी ऐसा था। आपने स्टोरीज क्या सुनी, उन औरतों के क्या हालात थे उस वक्त? हर घर में लोगों को निकाल के उनके घरों में वो बैठ गए, जो लोग थे गांव वाले ये थे, हम तो देखने वाले थे नहीं, पर उनके दुख दर्द सुन के भी सब उजड़ने का ख्याल था। उनके हर पे मता कि ये हमारे घर हो गए हैं पहले, तो उनको वहाँ से निकाल दिया, कईयों को मारा, कईयों को पीटा, ताकि ना बचें ना रोएं। पर जो बच के आते थे वो अपना दुख, इतने लोगों को मार दिया, ये कर दिया, कमरा बंद कर दिया, ये कर दिया, अब वहाँ तो पहुँच नहीं सकते थे। पर जो वहाँ पहुँचता था, हमारी पूरी इच्छा थी कि उनको पूरा कम्फर्ट मिले, पूरा नहीं तो रोटी पानी मिले, ताकि रात दिन सिर छत ढकने के लिए शरीर ढकने के लिए छत हो, खाने के लिए रोटी हो। इसी बीच की सोसाइटी का ऑर्डर हुआ कि जो वर्कर हैं अपने, वो जाके अपने प्रदेशों में सारी जगह देखें क्या हो रहा है। लाहौर में बैठे थे, कुछ पता लग नहीं सकता, तो मोहन लाल जी को एक डिस्ट्रिक्ट दिया और लाल अवतार जी को रावलपिंडी और अपना जेलम, और लैना सिंह जी को मुल्तान, सबको भेजने लगे। जब सब जाने लगे तो मेरी माँ सत्यवती कहती है, मेरा सबके लिए शुभकामना है कि जो अपनी ड्यूटी है वो करना, मेरा मत सोचना, मेरा सौभाग भगवान रखेगा, बिल्कुल वीरों की तरह जाओ, सब काम पूरे करके आओ। तो सबकी आंखों में टपटप आंसू की इतनी कुर्बानी से भेज रहे, पर जीवन तय भी है अगर देश के लिए जाए तो क्या फ़र्क पड़ता। अच्छा सुभद्रा जी, ये बताइए कि अब आप 91 की हैं, तो आपको आपका मैसेज क्या है जो भावी पीढ़ी है जो आपको सुन रही है, या आगे वाले पीढ़ी जो सुनेगी इस आर्काइव रिकॉर्डिंग को, आपका मैसेज क्या है? मैं तो हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को लोगों रखना संभाल के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई। Thank you.